गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. टुडे आवर टॉपिक इज यूटिलिटी. इट्स फ्रॉम माइक्रो. ये जो आपका चैप्टर है ये माइक्रो से है. ओके. सो आवर टुडेज टॉपिक इज यूटिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर व्हाट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन. व्हेन वी यूज एनी कमोडिटी to satisfy our wants, that commodity satisfied our wants, that is known as utilized for us. If any commodity satisfied our want, it is utilized for us. So the utility is known as the satisfaction power. यानी जब किसी भी चीज का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्यास लगी पानी पिया आपने, ठीक है, भूख लगी खाना खाया, तो that is utilized for you. और उस कॉमोडिटी में ये जो वॉन्ट सेटिस्फैक्शन पावर है दैट इज नोन एज यूटिलिटी. सो एवरीथिंग व्हिच इज इन अवर सराउंडिंग व्हिच फुलफिल्स योर नीड्स इज यूटिलाइज फॉर यू एंड द वॉन्ट्स सेटिस्फाइंग पावर इज नोन एज यूटिलिटी. यानी जो हमारे वॉन्ट की सेटिस्फाइंग पावर है उसे ही हम यूटिलिटी कहते हैं. सो यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन. नाउ इट इज क्लियर. Yes, ma'am. Okay. Now, utility not related with the profit or loss. Utility कभी भी इस चीज को matter नहीं करती कि उससे आपको profit हो रहा है या loss हो रहा है. It is just related to satisfaction. क्योंकि अभी हमने आपसे कहा utility means satisfaction. If any commodity gives you satisfaction, that is utilized for you. Either it give you loss or profit, it doesn't matter. ये कोई matter नहीं करता कि वो आपको नुकसान पहुंचा रही है या फायदा कर रही है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्रिंकर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको ड्रिंकिंग से क्या लगता है, सेटिस्फैक्शन लगता है, चाहे वो उस इंजीरियस फॉर हेल्थ हो. अगर वो उसको हेल्थ को नुकसान कर रहा है लेकिन उसके लिए क्या है, सेटिस्फैक्शन. तो जो ड्रिंकर्स है उनके लिए ड्रिंकिंग क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन, यूटिलाइज हो गया. ठीक. इस तरह से स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द टीवी मोर देन 3 or 4 hours, सो दैट इज हार्मफुल फॉर द स्टडीज, बट दे द टीवी गिव्स देयर देम सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया. ठीक है. सो सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी डजंट मैटर, इट रिलेटेड टू द प्रॉफिट और लॉस. कभी भी ये प्रॉफिट लॉस से रिलेट नहीं होती. इफ एनी कॉमोडिटी गिव यू सेटिस्फैक्शन, अगर कोई भी कॉमोडिटी आपको सेटिस्फैक्शन देती है, दैट इज यूटिलाइज फॉर अस. ओके. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. टाइप्स of utility. Okay, we are discussing about the types of utility. There are 3 types of utility. TP, yani total utility. The second is AP, average utility, and third is MP, that is known as marginal utility. Okay, so there are 3 type of utility: total utility, average utility, and marginal. First of all, I want to clear total utility, that is TP. As you know, utility means satisfaction. So total. Yes. When utility go, when will TP go from here? Oh. When production पड़े थे ना वहीं जाम दिमाग जा रहा है यहाँ पर. Total utility TU, AU, MU. ठीक है. तो total utility क्या हो गया, TU. Okay, Kush? Yes, ma'am. Thank you for remembering me. आपने मुझे बताया. आप यहाँ देखिए टोटल यूटिलिटी की बात करें, यूटिलिटी अभी हमने पढ़ा, इट इज सेटिस्फैक्शन. सो टोटल यूटिलिटी मीन्स द सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन. जितना भी सेटिस्फैक्शन उसको क्या कर लोगे, टोटल. सो द सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन विच यू गेट फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी. यानी हर कॉमोडिटी की हर यूनिट से
आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज टोटल यूटिलिटी. सो इट इज द डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन. यहां पर देख लीजिए, इट इज सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन विच इज राइट फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी. एक ही कॉमोडिटी की डिफरेंट यूनिट्स से आपको जो कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज योर टोटल यूटिलिटी. ओके, नाउ द फॉर्मूला ऑफ टोटल यूटिलिटी, जैसे आपने बोला इट इज द सम टोटल ऑफ, तो आप यहां पर लिखेंगे यूटिलिटी ऑफ ए, यानी फर्स्ट यूनिट से सेटिस्फैक्शन, प्लस यूटिलिटी ऑफ बी, प्लस यूटिलिटी ऑफ सी, सो ऑन. जितनी भी आपके पास नंबर्स हैं उसकी यूनिट्स को आप प्लस कर लेंगे सेटिस्फैक्शन को, यूनिट सेटिस्फैक्शन को, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी. इज इट क्लियर? यस मैम. यहां तक कोई दिक्कत? नो मैम. ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ले लिया? आगे बताऊं? ओके, चलिए आगे देखते हैं. अब हम बात करते हैं कि द बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी जो कर्व है उसका बिहेवियर कैसे होता है, ठीक है? सो द यूटिलिटी इन स्टार्टिंग इट इज इंक्रीजिंग बट इन डिमिनिशिंग मैनर, देन इट इज गोज हाईएस्ट और मैक्सिमम, आफ्टरवर्ड्स इट इज डिक्रीजिंग. मैंने आपसे कहा कि जो यूटिलिटी है उसका बिहेवियर कैसा होता है, इन स्टार्टिंग इट इज इंक्रीजिंग बट डिमिनिशिंग मैनर, डिमिनिशिंग रेट से ये बढ़ती है, दैट इट गॉट मैक्सिमम, फिर वो हाईएस्ट हो जाती है, आफ्टरवर्ड इट इज डिक्रीजिंग, उसके बाद क्या होता है वो घटने लग जाती है. यहां हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? इफ यू स्टडिंग अ बुक, अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट पढ़ने बैठ गए, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, ठीक है, पहली बार नई बुक आती है तो क्या होता है, बड़ा क्रेज होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा. फिर आपने सेकेंड पढ़ा, फर्स्ट से थोड़ा कम क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हैं, फिर थर्ड पढ़ा और कम, तो यानी हर यूनिट सेटिस्फेक्शन क्या देंगे आपको, कम. तो हर बार आपका सेटिस्फेक्शन हर यूनिट से बढ़ता तो है लेकिन पहले की तुलना में कम. यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां हमने यूनिट्स ली हैं, या क्वांटिटी भी ले सकते हैं, और हमने ली टोटल यूटिलिटी. जैसे हम क्वांटिटी ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. इन स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट जब मैंने यूज की तो टोटल यूटिलिटी मान लीजिए 10 यूनिट्स है, ठीक है. जब मैंने सेकेंड यूनिट इस्तेमाल की तो मुझे 10 सेटिस्फेक्शन नहीं मिला बल्कि 10 से कम 8. तो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का सेटिस्फेक्शन दोनों मिला के कितना हो गया बेटा? 18. क्योंकि आपने कहा कि जो आपका यूनिट फर्स्ट है, मान लीजिए यू ए है, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला 10 का. फिर आपने प्लस किया यूनिट आपकी जो बी है, उससे सेटिस्फेक्शन मिला आपको 8 का, तो आपने कहा यहाँ हो गया 18. अभी मैंने आपसे कहा था सेटिस्फेक्शन बढ़ जरूर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से. थर्ड यूनिट जो हम लेते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन कितना है? 6. तो हमने प्लस किया इसको, 18 और 6 कितना हो गया? 24. ठीक है, नेक्स्ट यूनिट ली, उसका सेटिस्फेक्शन 4 है, तो 28. ओके, नाउ इट्स गॉट मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा? हाईएस्ट. हाईएस्ट हुआ तो कितना हो गया? 30. मैक्सिमम पे थोड़े देर रुकता है, ठीक है. उसके बाद भी अगर आप कंजप्शन करते हैं तो इट इज डिक्रीज. अगर उसके बाद भी मैक्सिमम लेवल के बाद भी कंजप्शन किया जाता है तो ये क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की. जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे, OX पर आपने यहां पर लिया
यहाँ आपने अपनी क्वांटिटीज ले ली और यहाँ आपने टोटल ब्यूटी ली, ठीक है। अभी हमने बात की, यूनिट्स हमारे पास है 1, 2, 3 इक्वल गैप में, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और हमारे पास यूटिलिटी मिनिमम है 10 और हाईएस्ट है 30। कितने का गैप ले? 5, 5 का, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ओके, फर्स्ट यूनिट व्हेन वी कंजप्ट इट गिव्स अस सेटिस्फेक्शन, 10 यूनिट आपको सेटिस्फेक्शन मिला 10 यूनिट का, ठीक है। सेकेंड यूनिट से 18 का, फ्रॉम सेकेंड यू गेट द सेटिस्फेक्शन ऑफ 18 यूनिट, देन 24 on third unit, on fourth unit it is 28, then 30, fifth or sixth पे 30, then it is 26. तो इस तरह से ये क्या होगा, decreasing हो जाएगा, that is total utility. कर देख रहे हैं, here it is increasing, यहां से लेकर देख रहे हैं क्या है, it is increasing but diminishing rate. यहां पर क्या है, बढ़ रही है लेकिन डिमिनिशिंग, ये हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहां पर है, ठीक है। इसे बोलते हैं फुल सैचुरेटेड पॉइंट, फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट। फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट और यहां ये हो गई है डिक्रीजिंग। नाउ इट इज क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? आगे देखिए, सेकंड जो हमारा टाइप है दैट इज ए यू, उसे हम बोलते हैं एवरेज यूटिलिटी, यहां पर एयू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब भी हम एवरेज निकालते हैं टोटल इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, जितनी भी आप यूज करें, तो टी यू इज डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज। यहां हम एग्जांपल लेंगे, जो हमने पहले लिया था हमने ली क्वांटिटीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल यूटिलिटी जैसे आपने पहले ली थी 10, 18, 24, 28, 30, 30 एंड 26। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एयू, एयू का फॉर्मूला क्या है, टी यू अपॉन क्यू। तो हमने 10 को डिवाइड किया 1 से 10, 18 को डिवाइड किया 2 से 9, 24 को डिवाइड किया 3 से 8, 28 को डिवाइड किया 4 से 7, 30 को डिवाइड किया 5 से 6, 30 को डिवाइड किया 6 से 5, 26 को डिवाइड किया 7 से 3.7, ठीक है। अब जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, वी आर जस्ट टेकन टू एक्स पर क्वांटिटीज, यहां पर एवरेज यूटिलिटी, ओके, क्वांटिटीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड द एवरेज यूटिलिटी क्या देख रहे हैं, 3 से लेकर 10 तक है, कितना ले गया आप, अपन 1, 1 ही ले लेते हैं, 1st यूनिट पे एवरेज यूटिलिटी क्या है, 10 है, देन इट इज 9 सेकेंड यूनिट पर, देन 8, देन 7, 6, 5 और 3.7। तो आपका जो टोटल यूटिलिटी कर्व है दैट इज क्या देख रहे हैं, एवरेज यूटिलिटी कर्व क्या है, इट इज डाउनवर्ड, ठीक है। yes, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लें। yes. अब हम बात करते हैं
जो थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एम यू. वॉट इज मार्जिनल यूटिलिटी? एज यू नो जहां मार्जिनल दैट इज एडिशनल यूनिट. इफ अ कंज्यूमर यूजिंग एडिशनल यूनिट कॉमोडिटी यूनिट ऑफ एनी कॉमोडिटी द इंक्रीमेंट इन द टोटल यूटिलिटी और टोटल सेटिस्फैक्शन इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी. यानी एक यूनिट के इंक्रीमेंट से टोटल यूटिलिटी में या टोटल सेटिस्फैक्शन में जो चेंज आता है दैट इज नोन एज मार्जिनल सेटिस्फैक्शन. इसका फॉर्मूला बोलिए, आपको याद है ना? बोलिए TU -1 यानी टोटल यूटिलिटी के नेक्स्ट यूनिट में से आप प्रीवियस यूनिट को डिडक्ट करेंगे. यहाँ हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, क्वांटिटीज लेंगे. टोटल यूटिलिटी ओके, अब हम निकालेंगे इससे मार्जिनल यूटिलिटी. यहां पर 10 तो है ही, उसके बाद 18 में से 10 गया 8, 24 में से 18 गया 6, 28 में से 24, 30 में से 28 2, 30 में से 30 0, देन माइनस 4. यानी जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में भी है. यहां हमने ली मार्जिनल यूटिलिटी, गैप हम ले लेते हैं 2-2 का. माइनस में भी ले लेंगे माइनस 2 माइनस 4. और यहां आपने क्वांटिटीज ली 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 ओके. जब आप फर्स्ट यूनिट यूज कर रहे हैं तो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन आपका 10 है, सेकंड पे 8, देन 6, 4, फिर 2, फिर 0 और माइनस 4. तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो देख रहे हैं नेगेटिव भी पाया जाता है. ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस मैम. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशन, क्योंकि हम देख रहे हैं देयर इज अ रिलेशन बिटवीन TU एंड MU. यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है. हम एग्जांपल वाली क्वांटिटीज ही ले लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा क्या रिलेशन है. अब यहाँ रिलेशन पता चल रहा है. अगर हम रिलेशन, तो फर्स्ट रिलेशन है व्हेन TU इज इंक्रीजिंग बाय डिमिनिशिंग रेट MU इज डिक्रीजिंग. ठीक है, देख रहे हैं हम स्टार्टिंग में कि जब आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है, उस समय आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, वो घट रही है. ठीक है, सेकेंड थिंग व्हेन TU इज मैक्सिमम MU इज जीरो. ठीक है, क्या देख रहे हैं, जब TU सबसे ज्यादा है MU क्या है, जीरो है. एंड द थर्ड वन व्हेन TU इज डिक्रीजिंग MU गोज नेगेटिव.
एंड द फोर्थ वन PU इक्वल्स टू सिग्मा MU, यानी अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल करेंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल यूटिलिटी आ जाएगी. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यहां तक कोई दिक्कत? आगे बताऊं? ओके, चलिए आगे हम देखते हैं. अभी हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल सेटिस्फेक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी. एज यू सी, एज वी जस्ट इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, अवर सेटिस्फेक्शन, एडिशनल सेटिस्फेक्शन विल डिक्रीजिंग. अपना माइक बंद कर दो कनिका, खुश माइक बंद कर दो. एज योर यूटिलिटी, एज योर कमोडिटीज यूनिट्स आर इंक्रीजिंग, जैसे जैसे आप अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते हैं योर एडिशनल सेटिस्फेक्शन विल डिक्रीजिंग, वो घटता जाता है. दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. अ लॉ इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, दैट इज डिमिनिशिंग, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. The law of diminishing marginal utility. ये law क्या है कि when we increase या when we use the successor unit of any commodity, our satisfaction will decreasing and afterwards there will a point where our satisfaction goes negative. यानी जब भी हम किसी चीज का लगातार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो हमारा satisfaction क्या होता है? घटता जाता है और एक पॉइंट आता है उसके बाद वो नेगेटिव भी हो जाता है. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स व्हेन अ कंज्यूमर यूज एनी कमोडिटी इन अ कंटिन्यूअस मैनर, लगातार इस्तेमाल करता है, एट लास्ट देयर सेटिस्फेक्शन गोज नेगेटिव. अगर आप किसी काम को लगातार करते हैं तो पहले तो सेटिस्फेक्शन घटता है, फिर जीरो होकर नेगेटिव हो जाता है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर हम लगातार पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर से सेटिस्फेक्शन ज्यादा, फिर उससे कम, फिर कम, एक समय आएगा हम बोर हो जाएंगे, बुक को बंद कर देंगे. लेकिन मम्मी कहेगी नहीं और पढ़िए, फिर क्या होगा? जो हम पढ़ रहे थे अब वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि लगातार चार घंटे हो गए, फिर भी हमें कहा नहीं खाना, जब मिलेगा एक घंटा और पढ़ो. तो सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? जीरो हो चुका था. अब क्या हो जाएगा? कुछ समझ में ही आना, माइनस में चला गया. ठीक है, सो दिस इज कंपल्सरी या फंडामेंटल लॉ, इट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजप्शन. हर फील्ड में कंजप्शन की ये नियम कंपल्सरी लागू होता है. एज यू जस्ट इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी फॉर देयर कंजप्शन, डेफिनेटली योर सेटिस्फेक्शन विल डिक्रीज एंड आफ्टरवर्ड इट गोज नेगेटिव. ऐसा हमेशा होगा कि जब भी आप किसी चीज का लगातार इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी स्थिति पाई जाएगी. ओके, अब इसके हम नियम के अजम्पशंस की बात करते हैं. अब आपको ये तो पता है ना, व्हाट आर अजम्पशंस? अजम्पशंस क्या होते हैं पता है ना? हम बहुत सारे लॉ पढ़ चुके माइक्रो में. सो व्हाट इज अजम्पशंस? वेरी गुड, द अजम्पशंस आर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट. So there we just talk about the things which remain constant during the law of diminishing marginal utility. First jo hum baat karte hain, continuous consumption. First jo hamari yahan par shart hai ki when you use any commodity in a continuous manner, agar aapne chhod chhod ke jaise abhi ek chapter pad liya, फिर सेकेंड चैप्टर पढ़ा, फिर थर्ड पढ़ा, हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन बढ़े क्योंकि आपने गैप दे दिया, और हो सकता है उस समय आपका मूड नहीं, घट भी सकता है. तो इसका, इस लॉ का सबसे बड़ा अजम्पशन क्या है? कंटिन्यूअस कंजप्शन. ठीक है, द सेकेंड इज होमोजीनियस, होमोजीनियस यूनिट्स, जो इसकी यूनिट्स हैं एक ही कॉमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर अगर 20 पेज का, तो सेकेंड चैप्टर भी 20 पेजेस का होना चाहिए. अगर फर्स्ट चैप्टर 8 पेज का था
ठीक है, सेकेंड 10 का हो गया और थर्ड 2 पेज का हो गया। तो थर्ड चैप्टर से सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, कम या ज्यादा? थर्ड चैप्टर से सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा या बढ़ेगा? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। कम होगा, क्योंकि दो ही पेजेस का चैप्टर है। ओके, तो यहाँ कह रहे हैं कि व्हेन यू जस्ट कंटिन्यूस योर कंसेप्शन द यूनिट्स आर इक्वल्स टू ईच अदर, सारी यूनिट्स एक जैसे साइज में होनी चाहिए। क्लियर? थर्ड इज स्टैंडर्ड यूनिट। दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट। व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट? स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट व्हेन यू जस्ट ड्रिंकिंग द टी, अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय के लिए स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट क्या है? यू जस्ट यूज द कप ऑफ टी। क्या यूज करते हैं? अ कप ऑफ टी, ग्लास में नहीं उसको यूज करते। हो सकता है हमें ग्लास में पीना अच्छा लगे, लेकिन जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? अ कप ऑफ टी। अगर हम मिल्क की बात करें तो अ ग्लास ऑफ मिल्क स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, समझ गए इसको बात को? तो स्टैंडर्ड यूनिट का होना जरूरी है, तभी ये लॉ लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ड्रिंकिंग द टी बाय अ स्पून, अगर आप चम्मच से पी रहे, हर स्पून पे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा? ज्यादा, हर स्पून पे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन घटने की जगह क्या हो गया? बढ़ गया। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट्स का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट द फोर्थ वन इज कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स मेंटल स्टेटस। कि कंज्यूमर का मेंटल स्टेटस कैसा है, क्योंकि जब हम सेटिस्फेक्शन किसी चीज से लेते हैं या किसी चीज का कंजप्शन करते हैं, हमारी कंडीशन सही होनी चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता, आप सुबह सुबह बड़े खुश होते हैं, आपको हर चीज बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, और कभी आप बहुत परेशान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं कि कभी कभी आप बहुत अच्छे मूड में होते हैं, स्कूल से भी अच्छे मूड में, अब मम्मी ने खाना बनाया, चाहे कैसा बना, अरे मम्मी आज तो बहुत अच्छा खाना बनाया, और कभी आपका मूड खराब होता है, कितना अच्छा खाना बनाया, आज ही क्या बना दिया आपने, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। होता है ना ऐसा कई बार हमारे साथ? Yes. यानी हम बहुत अच्छे मूड में होते तो हमें हर चीज अच्छी लगती है, उसे हमें मॉर्निंग भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हमारा मूड खराब हो तो क्या होगा, हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजप्शन। ये कंजप्शन का बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ, इसलिए इसका जो रिलेशन है वो सबसे ज्यादा मेंटल स्टेटस से है। इफ यू आर इन अ मूड, गुड मूड, सो यू जस्ट एंजॉयिंग द सेटिस्फेक्शन। इफ यू आर इन अ गुड, नॉट इन अ गुड मूड, तो क्या होगा, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो दीज आर द अजम्पशन ऑफ द लॉ। ओके, ठीक है, तो जब आप इस नियम को लिखेंगे तो पहले लिखेंगे डेफिनेशन, देन अजम्पशन, और उसके बाद फिर आप इसका एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा? वो ही क्वांटिटीज और मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि ये बता रहा है इट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, घटती हुई, तो आपको बताएंगे यह डिमिनिशिंग है। ओके, फिर आप इसका डायग्राम बनाएंगे। माइनस में भी लेंगे। ओके, जब आप अपना डायग्राम बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये आपका इस तरह से बनेगा। ओके, ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन 4 to 6 मार्क्स का आता है तो आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर अजम्पशन लिखेंगे, फिर आपने डायग्राम बनाया, और फिर आप डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, याद है ना डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं? वी जस्ट टेकन द क्वांटिटीज ऑन ओ एक्स एक्सिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑन ओ वाई एक्सिस। ऑन फर्स्ट यूनिट वी जस्ट गेट द सेटिस्फेक्शन ऑफ 10,
second unit, the margin of satisfaction is 2. Then 3. It shows as we just increase the number of unit of a commodity, our level of satisfaction will decreasing, and at last it is goes negative. Okay? Yes, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, आपने ये भी पढ़ा कि हर लॉ के कुछ ना कुछ assumptions के साथ साथ exceptions भी होते हैं, ठीक है ना? हर चीज के कुछ उल्टा भी होता है, ठीक है? तो जो लॉ है इसके जहाँ assumptions हैं वहाँ कुछ exceptions भी हैं, ठीक है? जिसे हम कह सकते हैं कि वो उस नियम से कुछ अलग बात है. जैसे हमने कहा ये नियम क्या कहता है, एज यू जस्ट use the successor unit of any commodity, your satisfaction will decreasing. पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, as you use the unit of any commodity, your satisfaction will increasing. कभी कभी आपका satisfaction क्या हो जाता है, increasing भी हो जाता है. तो हम वो condition बात करेंगे कि जहां ये increasing हो जाता है. तो कौन कौन सी situations है बताइए, कि जहां जब आप यूज करते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेवरेट म्यूजिक, या वो सॉन्ग हो सकता है या फिर कोई फिल्म हो सकती है, ठीक है? जब आपकी फेवरेट म्यूजिक, फेवरेट सॉन्ग, किसी फेवरेट ब्रांड की बात होती है तो आप जितना उसका यूज करते हैं आपका सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा बढ़ता है, ठीक है? सेकेंड थिंग, कलेक्शन ऑफ थिंग्स. जैसे आपने कोई चीज कलेक्ट की, जैसे मुझे कॉइन कलेक्शन का शौक, मैंने कलेक्शन किया इस सन का उस सन का, तो हर बार जितने कॉइन कलेक्शन बढ़ेंगे मेरा सेटिस्फेक्शन क्या बढ़ेगा, ज्यादा. इसी तरह से हैबिट ऑफ सेविंग. जब हमें सेविंग की आदत होती है तो एक रुपया जब हम सेव करते हैं तब ज्यादा खुश होते हैं, या 100 रुपीज सेव करते हैं जब ज्यादा खुश होते हैं, बताइए? 100. यानी एज वी जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेविंग अवर सेटिस्फेक्शन विल इंक्रीजिंग. हर बार सेविंग से हमें क्या मिल रहा है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन. जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, गुल्लक रखते हैं अपने पास, पहले उसमें अरे मेरी गुल्लक भरने वाली, फिर और डालो, जब भर जाती है बहुत सेटिस्फाइड होते हैं ना, कि मेरी गुल्लक पूरी भर गई है. पिगी बैंक होता है ना, किस तरह से यहाँ पर जैसे जैसे सेविंग बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, आपका सेटिस्फेक्शन घटने की जगह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. द फोर्थ थिंग इज माइजरनेस, दैट इज माइजरनेस. माइजरनेस यानी कंजूसी. जो कंजूस व्यक्ति होता है उसके लिए क्या है, हर यूनिट ऑफ मनी सेटिस्फेक्शन क्या दे रही है, ज्यादा, क्योंकि वो हर पैसे को बड़ा सोच सोच के खर्च करता है, ठीक है? तो माइजरनेस इज अ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, ठीक है? और कोई आपको ध्यान आ रहा हो बताइए. मैम मनी तो इंक्रीजमेंट होगा, हाँ बिल्कुल देगा. यहाँ भी मनी का दो तरीके से आता है, पुअर पीपल के लिए हर यूनिट जो नेक्स्ट यूनिट है मनी की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो एक रिच पीपल होता है उसके लिए वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, आज इतना ही करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. नाइस डे, वेलकम बेटा.